आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को ईडी के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के एक मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन आज समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई हैं। कोर्ट में 15 मार्च को स्पेशल जज सीबीआई राकेश सयाल की सिंगल बेंच ने ईडी की तरफ से एसीजी एसवी राजू पेश हुए। वहीं केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन रहे। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली सीएम ने ईडी के हर समन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। ईडी ने कोर्ट में शिकायत करने से पहले केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया। दिल्ली सीएम जब 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए थे, तब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। कोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।